नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। मानवता को शर्मसार और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर कर वायरल होते रहते हैं और इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से सामने आ गया जिससे खलबली मच गई है। ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वायरल वीडियो में एक वकील को कार में पड़े शव से कागज पर अंगूठा लेते हुए देखा गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने तरह तरह के सवाल खड़े कर दिए। ये बेहद शर्मनाक वीडियो है जो ऑनलाइन सामने आया है, देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आंखें नम होने के साथ ही साथ ऐसा काम करने वाले लोगों पर आपको गुस्सा भी जरूर आएगा। जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में कार के अंदर की पीछे वाली सीट पर एक शव पड़ा हुआ नजर आ रहा है जो एक बुजुर्ग महिला का है और कार के गेट पर एक तथाकथित वकील खड़ा नजर आता है और उसके साथ पीछे दो लोग भी खड़े दिखाई देते हैं जो संभवतः मृतक के घर वाले हैं। ये वकील इस शव से कुछ कागजों पर अंगूठा लगवा रहा है। इस शर्मनाक वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के आगरा का बताया जा रहा है। ट्विटर पर ये वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उन्होंने भड़कते हुए यूपी पुलिस को टैग करके इस पूरी घटना का जवाब मांगा। हालांकि इस वक्त जब हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस और आगरा पुलिस की ओर से इस वीडियो पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ये शर्मनाक वायरल वीडियो आगरा के सेवलाल जाट का है जिसमें आपने देखा कि कैसे एक वकील एक मृतक वृद्धा से उसकी संपत्तियां लेने के लिए उसके शव से अंगूठा लगवा रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। मानवीयता को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं वाकई निंदनीय हैं। इसमें आगे क्या कुछ होगा, इस खबर से जुड़ी हर अपडेट्स हम आपको बताएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।